नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। जयकारा शेरावाल दबुल साचे दरबार की जय। आपका स्वागत है 5 मिनट स्टोरी पर। आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें और समय पर भोजन करें, समय पर खाएं, पानी बहुत पिएं और अपने घर के आसपास चिड़ियाओं के लिए भी पानी रखें। और अब बात करते हैं दो बैलों की। मोती और हीरा दो बैल थे, बहुत अच्छे बैल थे और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनका मालिक उनका बहुत ध्यान रखता था, उन्हें हरी हरी घास देता था, उनसे ज़्यादा काम नहीं कराता था। लेकिन जो मालिक की बीवी थी उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब वो अपने पति को देखती कि वो बैलों को नहला रहा है, उन्हें भोजन दे रहा है, उनके साथ समय ज़्यादा बिता रहा है, खेती करने जा रहा है तो उनसे कुछ घंटे काम करा कर उन्हें आराम करा रहा है, तो वो अक्सर अपने पति को कहती थी, तुम पागल वागल हो क्या, ये जानवर है और जानवरों को जानवरों की तरह रखें। लेकिन अक्सर उसका पति उससे ये कहा करता था, ये जानवर नहीं है, ये हमारी किस्मत है, ये बैल हैं, ये चलते हैं तो हम भोजन खाते हैं और इनको भी हमारी तरह दर्द होता है और एहसास होता है और ये भी आपस में हमारी तरह बातें करते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्नी को एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और पत्नी ने दोनों बैलों को पति के पीछे से बेच दिया। हीरा और मोती समझ गए थे कि मालकिन उन्हें पसंद नहीं करती और वो जो है हमें बेच रही हैं। खैर, वो दूसरे गांव चले गए। रात को हीरा और मोती को मारा पीटा गया। जिसने खरीदा था उसने उन्हें काटने के लिए कसाई की तरह खरीदा था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर रस्सी तोड़कर वापस घर पहुंच गए और घर के बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। मालिक को जब पता लगा तो मालिक ने, तुम गए थे, कहाँ गए थे, अरे तुम्हें बेच दिया था, पता ही नहीं चला उसे कुछ, क्योंकि जानवर थोड़ी बोल सकते थे। पत्नी डरी सहमी सी रही, कहीं इसका मालिक ना आ जाए, कहीं पता ना चल जाए मैंने बेच दिया, अब क्या होगा। मालिक ने वापस उन्हें बांधा, उनके शरीर पर ज़ख्म देखे और बोला, मेरे हीरा मोती को क्या हुआ, ये देख के रोने लगा। हीरा मोती भी अभी तक ये बात समझ चुके थे कि मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हमें प्यार करते हैं, लेकिन मालकिन गलत है। अब आराम से समय बीत रहा था, उन्हें लेने वापस कोई नहीं आया। एक दिन किसान कुछ काम से गांव चला गया, गांव से शहर चला गया, तो उसकी पत्नी घर में अकेली थी। कुछ जो चोर थे वो घर के अंदर घुस गए और घर के अंदर घुसने के बाद मालकिन को जान से मारने का प्लान कर रहे थे। इतने में हीरा और मोती ने अपनी रस्सी तोड़ी, उन्हें चोरों को मारा, भगाया, शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा किया और अपनी मालकिन की यथाशक्ति मदद करी। लेकिन इस बीच में हीरा को चक्कू लग गया और हीरा मर गया, उसमें सांस कुछ बाकी थी। मालकिन ने जब ये देखा तो वो बहुत रोने लगी, बहुत घबराहट हुई और अपनी गलतियों पर उसे बहुत शर्मिंदगी भी हुई कि ये मैंने क्या किया है। जानवर इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं। कहानी छोटी सी है पर ये ज़रूर बताती है कि अगर आपके अपने घर के कोई, आपका बेटा, आपकी हस्बैंड, अगर आपके घर के कुत्ते को, बिल्ली को, खरगोश को या कछुए को या किसी भी जानवर को, गाय को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्या इंसान आज इतना गिर चुका है या इतना मतलबी हो चुका है कि वो जानवरों से भी अपने आप को कंपेयर करने लगा है। अगर आपके घर वालों की खुशी ये है तो ये याद रखिएगा, ये जानवर वक्त आने पर अपनी जान देकर भी आपकी जान बचाने के लिए हमेशा अतारू रहते हैं। ये भले मनुष्य कर सके ना कर सके पर जानवर ज़रूर करता है, इसलिए जानवर पालिए, उन्हें प्यार कीजिए और निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा भी कीजिए। प्यार कर सके ना कर सके, नफरत मत कीजिए। जय माता दी।